खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी में कोरोना संक्रमण काल में विशाल भारत संस्थान द्वारा संचालित अनाज बैंक भूख से पीड़ितों की मदद के लिए 2400 घंटों की रसोई चला रहा है। ऐसे में अनाज बैंक ने भोजन की पोटली के साथ साथ गर्भवती स्त्रियों के लिए पौष्टिक आहार, बीमार व्यक्तियों के लिए खिचड़ी और बच्चों के लिए दूध, बिस्किट और दाल का पानी प्रतिदिन दे रहा है। अब अनाज बैंक ने कोरोना योद्धाओं के लिए पेप्सिको इंडिया के साथ साझेदारी कर पेप्सिको सेवा पोटली तैयार की है। पेप्सिको सेवा पोटली का ऑनलाइन उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने किया। आपको बता दें, वाराणसी मंडल के उद्योग संयुक्त आयुक्त, ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्री उमेश सिंह एवं उद्योग उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री वीरेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से सुभाष भवन इंद्रेश नगर लम्ही में पेप्सिको सेवा पोटली को एक एक स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, सफाई कर्मी एवं बच्चों को देकर इसका शुभारंभ किया। कोरोना योद्धाओं तक पेप्सिको सेवा पोटली पहुंचाने के लिए अनाज बैंक के भोजन दूतों को सौंपकर कोरोना योद्धाओं के साथ सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं कोरोना संकट के समय एक दूसरे की मदद ही कोरोना से जंग जीतने का भी हथियार है। आपको बता दें, पेप्सिको सेवा पोटली उन कोरोना योद्धाओं के लिए तैयार की गई है जो देश को कोरोना से बचाने के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना योद्धाओं में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, सफाई कर्मी एवं बच्चे भी शामिल हैं। पेप्सिको सेवा पोटली का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि वाराणसी मंडल के संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश सिंह ने कहा कि बहुत सारे कोरोना योद्धा मोर्चे पर ही डटे हैं, उन्हें घर जाने का समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए परिस्थितिवश भूख के शिकार हो जाते हैं। परिस्थिति जन्य भूख से तत्काल बचाने के लिए कोरोना योद्धाओं के लिए पेप्सिको सेवा पोटली उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें रेडीमेड अल्पाहार होगा और भोजन के विकल्प के रूप में आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। अनाज बैंक और पेप्सिको इंडिया ने पेप्सिको सेवा पोटली कोरोना योद्धाओं एवं बच्चों के लिए तैयार की है, यह एक प्रशंसनीय कार्य है। आप सभी जानते हैं कि इस संकट में सबसे बड़ा अगर चुनौती किसी के सामने, समाज के सामने या प्रशासन के सामने है, तो सबको भोजन उपलब्ध कराना है। उसी के तहत विशाल भारत संस्थान अनाज बैंक पूर्व से ही संचालित कर रहा है और उसी क्रम में हम लोग इस संस्था के भागीदार बनने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है कि जो कोरोना योद्धा हैं उनके लिए भी हम लोग कुछ उपलब्ध करा सकें खाद्य सामग्री, और आगे जो भी यहाँ से रेडीमेड किचन के माध्यम से जा रहा है भोजन, उसमें भी जो सहभाग हो सके, उसके उद्घाटन के अवसर पर ये हम लोग यहाँ। आप सभी ये जानते हैं कि लॉकडाउन के वजह से जो भी सेक्टर है वो सभी प्रभावित हैं, उसमें इंडस्ट्री अछूता नहीं है, लेकिन ये भी आपको पता होगा कि सेकेंड फेज जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके पहले से ही धीरे धीरे गवर्नमेंट के आदेश से, भारत सरकार, राज्य सरकार के एडवाइजरी से उद्योगों को खोलने की प्रक्रिया जारी है। विशेष करके जो खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग हैं, जरूरी सामान हैं, दवाएं हैं या कृषि यंत्र हैं, कृषि बीज हैं, खाद के इंडस्ट्रीज हैं या जो उनके पैकेजिंग के आइटम हैं, उनको हम लोग निरंतर खोलने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में यूनिट चालू भी हो गए हैं। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की इकाइयाँ, ईंट भट्ठे हैं, सीमेंट के हैं, जो निर्माण में काम लगे हैं, उन सबके खोल रहे हैं। उसके पीछे दो तरह के मंशा है। एक तो इकाइयां चलनी चाहिए, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पैरेलल चलनी चाहिए, इसके साथ साथ दूसरी मंशा ये है कि जो उससे कारीगर जुड़े हुए हैं, श्रमिक जुड़े हुए हैं, उनको भोजन की व्यवस्था ना अलग से सोचनी पड़े, उनको वेतन मिलता रहे, उनको अपना श्रम का भुगतान होता रहेगा, तो ये दोनों चीज़ें उससे होंगी। और कोरोना संकट चूँकि ये अभी एकाएक समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है, हम सभी को इसमें अभ्यस्त होना होगा, और इसलिए जो है एक पैरेलल इसमें कार्रवाई भी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हम। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि वाराणसी के उपायुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना संकट से मानवता को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना योद्धाओं के साथ सहयोग करे। पेप्सिको सेवा पोटली कोरोना योद्धाओं के सहयोग का एक तरीका है जो उनका उत्साह वर्धन करेगी। अनाज बैंक की 24 घंटे की रसोई भूख पीड़ितों की सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल है। कोरोना जैसी महामारी की चुनौती का सामना हम एक दूसरे के सहयोग से ही कर सकते हैं। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने
अपने संदेश में कहा कि कोरोना योद्धाओं का हर हाल में उत्साहवर्धन होना चाहिए। वे मोर्चे पर डटकर अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे जान की हिफाजत कर रहे हैं। कोरोना योद्धाओं के लिए पेप्सिको सेवा पोटली परिस्थिति जन्य भूख का विकल्प है। अनाज बैंक और पेप्सिको इंडिया का यह साझा प्रयास कोरोना योद्धाओं का सम्मान है। वहीं विशाल भारत संस्थान के सामाजिक कार्यकर्ता कोरोना योद्धाओं के बच्चों और उनके परिवार का भी ख्याल रखें। कोरोना योद्धाओं के साथ सहयोग ही देश और मानवता को बचाएगी। ये आज का जो कार्यक्रम ये रखा गया है, ये सब जैसे कि ये विशाल भारत संस्थान है हमारा, ये ज़रूरतमंदों को भोजन सामग्री इस लॉकडाउन की अवधि में पहुंचाने का एक पुनीत कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसी में जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, जैसे मीडिया कर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मी हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, जैसे कभी कभी कहीं पे भोजन समय से ना पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है, या अचानक किसी को भूख लग गई, तो उसी गैप को पूरा करने के लिए ये जो हमारा पैक, ये चिप्स आइटम है, स्नैक्स हैं, बिस्किट्स हैं, इन सब की हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया कि जब जो जिसको जैसी आवश्यकता हो, यदि भोजन नहीं मिल रहा है समय से और उनको भूख लगी है, या उनका मन है कि भाई अभी खाने से थोड़ा रोज़, क्योंकि अब लॉकडाउन की अवधि में एक सीमित प्रकार का ही भोजन मिल पा रहा है, तो उनकी जब थोड़ा सा मन चेंज करना हो, या जब भी ऐसी ज़रूरत हो कि जब भूख लगने और हल्की भूख लगने पे अपने वो उस पूर्ति को कर सकते हैं, एक सप्लीमेंट एक मिल सकता है, तो उसी का प्रयास हम लोगों के द्वारा ये किया गया है कि ये हम ऐसा अरेंज करा दें कि इसको रख भी सकते हैं, इसके ख़राब होने की भी संभावनाएं नहीं है, जो कि लंबे समय तक आपके पास एक रिजर्व, ये है कि रिजर्व रखा रहेगा कि 2-4, 10-20 पैकेट रखे हैं, हफ्ता, 10 दिन, महीने, जब भी जरूरत हो तो तब उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए प्रयास किया है। अनाज बैंक के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना योद्धाओं को उनके दायित्व निर्वहन के समय उनके परिवार का ख्याल रखना सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। कोरोना योद्धाओं को पेप्सिको सेवा पोटली देकर अनाज बैंक ने आवश्यकता अनुसार अल्पाहार की व्यवस्था की है। कोरोना योद्धाओं के बच्चों के लिए भी बिस्किट, चिप्स और नमकीन पहुंचाएं, ताकि उन्हें इस बात का एहसास न हो कि पापा मम्मी कर वही। पेप्सिको इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर राहुल शर्मा ने कहा कि अनाज बैंक के साथ कोरोना योद्धाओं के समान संस्थान पहले से भी परिचित है। अनाज बैंक सब किस तरह का किट आज अभी तक तो अनाज बैंक 24 घंटे की रसोई चला करके भूख पीड़ितों तक भोजन का पैकेट पहुंचा ही रहा है, साथ में रोजेदारों के लिए अलग इंद्रेश पोटली पहुंचा रहा है, इसके अलावा गर्भवती स्त्रियों के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी हम बिस्किट का पैकेट, दूध का पानी, पालक का सूप इत्यादि पहुँचा रहे हैं। आज पेप्सिको सेवा पोटली का एक तैयार किया गया है पेप्सिको इंडिया और अनाज बैंक के संयुक्त तत्वाधान में, और ये पेप्सिको सेवा पोटली उन लोगों के लिए जो परिस्थिति जन्य भूख के शिकार हैं, अचानक खाना नहीं मिला, बंद हो गई दुकानें, या भोजन नहीं पहुंच पाया, तो वहाँ पर हमारा अल्पाहार की जो पोटली है वो उनको बड़ी मदद करेगी उस समय, और ख़ासकर उनके लिए जो कोरोना योद्धा हैं, घर से बाहर हैं और लगातार कोरोना से फ्रंट पे लड़ रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हों, सफाई कर्मी हों, स्वास्थ्य कर्मी हों, पुलिस कर्मी हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों। आज उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त वाराणसी मंडल के उमेश कुमार सिंह और उपायुक्त श्री बीरेंद्र कुमार जी ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया है, भोजन दूतों को देकर और पत्रकार मित्रों को देकर के, ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सके। साथ ही हम ये भी कहते हैं जो कोरोना योद्धा हैं वो हमारे 94-52-49-67-40 पर उनके परिवार के लोग कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। अगर कोरोना योद्धा मैदान में है, मोर्चे पे डटे हैं, उनके घर में गैस सिलेंडर की दिक्कत है, दवाई की दिक्कत है, बुजुर्ग व्यक्ति है, भोजन की दिक्कत हो गई, या किसी भी तरह के सामान की दिक्कत है, तो हमारे कार्यकर्ता उन तक तुरंत पहुँचेंगे। हम प्रत्येक तरह से कोरोना योद्धाओं के सहयोग के लिए 24 घंटे तैयार हैं, और भोग पीड़ितों को मदद तो हम कर ही रहे हैं, साथ में अब कोरोना योद्धा भी उसमें शामिल हो गए, उनकी भी हम से उनकी भी सहायता करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, हम उनके साथ असहयोग नहीं करेंगे, उनके सहयोग से ही भारत को, देश को, इंसानियत को और मानवता को। आपको बता दें, पेप्सिको सेवा पोटली पेप्सिको इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर राहुल शर्मा के संयोजन में तैयारी की गई थी। वही पेप्सिको सेवा पोटली तैयार करने में अर्चना भारतवंशी, नाजनीन अंसारी,
एपी सिंह, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, नजमा परवीन ने सहयोग किया था। प्रतिदिन की तरह अनाज बैंक के भोजदूतों ने 900 पैकेट भोजन भूख पीड़ितों तक पहुंचाया है। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।